हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बिमला फूड हाउस। तो आज मैं आपको ओट्स की कुछ रेसिपी बनाने जा रही हूँ। ओट्स के तो पॉरेज खा खा के आप लोग बोर हो चुके होंगे, तो मैंने सोचा क्यों ना इंडियन स्टाइल में कुछ रेसिपी बनाई जाए। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ ओट्स के कचौड़ी। तो चलिए देखते हैं इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले गेहूँ कांटे का डो बना लिया है 10 मिनट पहले। ओट्स, सॉल्ट टू टेस्ट, कोरिएंडर पाउडर, क्यूमिन पाउडर, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक एंड गरम मसाला, साथ में शुगर थोड़े से। और यहाँ पर मैंने सौंफ लिया है जिसे मैंने क्रश कर लिया है पहले से, और फ्राई करने के लिए ऑयल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ओट्स की कचौड़ी। तो सबसे पहले ओट्स को हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं विदाउट ऑयल। अब हम इसको बाउल में निकाल लेते हैं। कुकर का फ्लेम मैंने बंद कर लिया है और इसी गर्म पैन में मैं क्यूमिन पाउडर, गरम मसाला, कोरिएंडर पाउडर, रेड चिली और सौंफ, इन सबको मिलाकर रोस्ट कर लेती हूँ। कुकर का फ्लेम ऑन नहीं करना है, जस्ट इसको गर्म में ही हल्का सा रोस्ट कर लेंगे ताकि इसका जो टेस्ट है कचौड़ी की वो और बेहतर हो जाए। तो हम जो ये ओट्स मैंने निकाल के रखा हुआ है बाउल में, इसमें वो रोस्ट किए हुए सारे मसाले को मिला देते हैं और टर्मरिक पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट, शुगर, इन तीनों को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। साथ में थोड़ा सा पानी देके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये स्टफिंग करने में इजी हो जाए, क्योंकि ये रोस्ट ओट्स है तो ये पानी काफ़ी मात्रा में एब्जॉर्ब कर लेंगे और थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाएंगे। तो अब हम लोग आटे का मीडियम साइज की डो बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे मीडियम आकार के डो बना के रख लिए हैं, छोटे छोटे आकार में। अब मैं इसमें स्टफिंग करूँगी। ये बिल्कुल इस तरह आपको स्टफिंग करनी है। तो इसी तरह हम बाकी के स्टफिंग भी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे सारे आटे के डो में स्टफिंग कर ली है। अब मैं इसको फ्राई करने के लिए ले जा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे स्टफिंग के आटे के गोले को फ्राई होने के लिए स्टार्ट कर चुकी हूँ। ये एक तरफ से फ्राई हो चुका है, अब इसे दूसरी तरफ रख देती हूँ। तो हमारा कचौड़ी बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। तो हमारा गर्मा गर्म कचौड़ी तैयार है सर्व करने के लिए। तो रेडी है हमारा ओट्स की कचौड़ी गर्मा गर्म सर्व करने के लिए। आप इसे किसी भी ग्रीन चटनी या टमाटो सॉस जिसके साथ आपको अच्छा लगे आप उसके साथ ये सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी ओट्स की कचौड़ी आप लोगों को कैसी लगी? ज़रूर इसे बना के खाइएगा, मुझे पूरा विश्वास है ये आप लोगों को टेस्टी लगेगी। और अगर ये रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं मेरे नए वीडियो में। टेक केयर एंड सी यू माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।